आप देख रहे हैं ARPV चैनल। मैं डॉक्टर महेश मर्दा, प्रीमियर हॉस्पिटल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं। मैंने MBBS 1976 में और MD 1982 में कर्नूल से किया था। फिर मैं यहां पर मेहंदीपट्टनम एरिया में ही 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रीमियर सीनियर मेरा नया वेंचर है, जो कि प्रीमियर हॉस्पिटल का ही ब्रांच है, लेकिन ये कंप्लीटली बुजुर्गों के लिए बनाया हुआ है। ये मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये मालूम किया है कि आजकल बुजुर्गों का की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोग 80 साल तक आराम से जी रहे हैं और उनकी तकलीफें वो लोग बयान भी नहीं कर सकते। उनके मेमोरी भी कम रहती है और वो लोग जैसे पेशाब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है या देखने में या हियरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब वो लोग डायरेक्टली जाके डॉक्टरों को नहीं बताते हैं। तो और काफी वो लोग सफर करते रहते हैं और उनको मालूम भी नहीं रहता। हम कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट में उनका मेमोरी के अलावा उनका फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग देखते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी करते हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका मसल कैसा है, उनके बॉडी में उनका ताकत कितनी है वो भी देखते हैं, और उनका उनके वो कितना मूवमेंट मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज में अगर आदमी चल फिर सकता है तो वो समझना कि थोड़ा हेल्दी है, और उनके सोशल इश्यूज भी काफी होते हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि घर के अंदर उनके एनवायरमेंट में कुछ तब्दीली करने से उनके उनके एक्टिविटी में फायदा हो सकता है सर। तो ये सब चीजें हम लोग एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर हम लोग उनका असेस करते हैं। सर, प्रीमियर सीनियर में जो बुजुर्गों के मरीजों के जो बेहतर इलाज होता है सर, उसका कोई ऐसा कुछ वाक्य जो आपको याद है सर? आप अभी भी एक पेशेंट है जो आज डिस्चार्ज हो रहा है, दो पेशेंट है अभी जो जिनसे आप लोग खुद ही जाके बात कर सकते हैं। एक निर्मला बोल के एक पेशेंट हमारे पास अभी 4-5 दिन के अंदर डिस्चार्ज होगी। वो हमारे पास 2 महीने से है, मल्टीपल फ्रैक्चर से आई थी, तो उसको हम लोगों ने पहले हड्डी मजबूत करने के इंजेक्शन दिए, बाद में उसका ऑपरेशन किया और बेड रिडन थी वो, बेड सोर्स थे, वो सब ठीक किया है। अभी वो चल रही है, फिजियोथेरेपी हम लोग सुबह शाम 2 टाइम करते हैं और उससे वो अभी चल रही है। हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में यानी क्या अलग दिखता है, डिफरेंस दिखता है? अलग तो ये है कि मैं 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये पैशन से मैंने इसको बनाया है, और हमारे टीम भी मैंने जो आदमियों को सेलेक्ट किया है उनको पूरों को, जो कंपैशन वाले लोग, एम्पैथी वाले लोगों को, जो ड्यूटी माइंडेड होते हैं वैसे लोगों को लेके मैंने ये किया है। असेसमेंट करके प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपन। अगर बुजुर्गों में अगर छोटे छोटे चीजें प्रिवेंशन करने से वो लोग आगे जाके उनकी बीमारियों को अपन लोग काफी हद तक रोक सकते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग एक तो अडल्ट इम्यूनाइजेशन, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि बुजुर्गों में भी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टीका लगना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो टीका लगाने से वो बीमारियों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, जैसे अस्थमा और COPD के पेशेंट्स होते हैं, वो लोग अगर 5 साल में एक इंजेक्शन वैक्सीनेशन होता है वो लेने से बार बार उनको इन्फेक्शन नहीं आता है।
और फ्लू शॉट बोल के एक होता है जो सालाना एक बार देते हैं, जिससे बार बार जिसको सर्दी लगती है वो कर सकते हैं। आजकल ये शिंगल्स बोल के हेरपिस जॉस्टर का भी आजकल काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, उनको भी अगर अपन डायबिटिक और 50 साल से ज़्यादा हो तो उन लोगों को सबको ये शिंगल्स का वैक्सीन भी देना चाहिए। और दूसरे वैक्सीन भी है जैसे डिफ्थीरिया एंड टेटनस 10 साल में एक बार देना चाहिए। जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े लोग जो मरीज जिनका रेसिस्टेंस कम होता है, जिनमें ताकत कम होती है, उन लोगों को स्पेशली ये वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए हैं, दूसरा हम लोग उनका मोबिलिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी से, ताकि वो लोग मोबाइल रहे और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हियरिंग एड हम लोग, हमारे पास अभी डिपार्टमेंट में हियरिंग का है, आँखों का है और दांतों का, ये तीनों और पेशेंट्स है जिसमें हम लोग पहले से ही उनको प्रिवेंटिव दांतों के पहले से ठीक रखें, हियरिंग एड बराबर टाइम पर लगा लें, और आँखों में भी दो चीज़ें हैं जो आँखों का प्रेशर बढ़ने से ग्लॉकोमा है जो मालूम भी नहीं होता, धीरे धीरे विजन निकल जाती है, तो आँखों का प्रेशर करना, मैकुलर डीजनरेशन, ये सब अपन लोग एज ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में मालूम कर लें तो उसका हम इलाज पहले से कर सकते हैं। मेमोरी लॉस के यूजुअली ये एज में सर मेमोरी लॉस होता है, हाँ। तो मेमोरी लॉस के आपके पास क्या एज में पेशेंट्स आते हैं और इनकी फैमिलीज का क्या रिएक्शन होता है? मेमोरी लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपन लोग बहुत वो प्रॉब्लम को तो अपन लोग इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। जो अटेंडर्स जो उनको संभालते हैं मेमोरी लॉस के पेशेंट्स को, उनसे पूछना चाहिए कि उनको कितनी तकलीफ होती है। 60 के ऊपर वाले काफ़ी लोगों को मेमोरी लॉस होता है और 80 के ऊपर वालों को 5% से ज़्यादा लोगों को मेमोरी लॉस कम्प्लीट अल्जीमर्स डिसीज़ होती है। और अल्जीमर्स डिसीज़ में एक बार पेशेंट अगर आ जाता है तो उनका कोई इलाज ही नहीं है। मेमोरी लॉस के लिए भी पहले स्टार्टिंग में सेनाइल डिमेंशिया बोल के अपन लोग छोड़ देते हैं, तो सेनाइल डिमेंशिया के टाइम पर ही अपन लोग अगर दूसरे कारणों से अगर मेमोरी लॉस हो रहा है उसको अगर अपन लोग जान ले तो अपन लोग उसका इलाज है। जैसे कि वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, जहाँ पर ब्रेन में अगर खून की सप्लाई कम होने से उनको डिमेंशिया आती है, तो अगर उस टाइम में अपन बराबर टाइम से उनको खून पतला करने की दवाई दे दें और ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, तो डिमेंशिया काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं अपन लोग। अभी तक कोई डिमेंशिया की एकदम करेक्ट दवाई नहीं आई है, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपन ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस हम लोग कराते हैं। 3D का हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लगा के हम लोग उनके पास्ट एनवायरनमेंट में जाते हैं, बच्चों के साथ उनको बिठाते हैं 3D एनवायरनमेंट से, उससे भी उनका मेमोरी स्टिमुलेशन होता है।